तो सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल राघव। तो पास में है दीपा पाठक और पास में है हमारे राजेश चौधरी जी, जो धाकड़ छोरा में माँ का किरदार बहुत बढ़िया निभाया था। तो आज इनके साथ में काम करने का मौका मिला, तजर्बा मिला, बहुत अच्छा लगा। और दीपा जी बहुत अच्छी हीरोइन है और दीपक जी के लिए बहुत शूट कर रही हैं आजकल, सारी फिल्में यही कर रही हैं मेन लीड में, हमें तो मौका ही ना आने मिल रहा। आप भी तो हमारे साथ कर रहे हो। हाँ, मैं भी, मैं भूल गया था। तो हीरोइन बनोगे क्या? हाँ, मैं पिछले साल भी इनके साथ था 2023 में, और अब 2024 में भी इनके साथ कर रहा हूँ। हाँ। बहुत अच्छा हमारा काम चल रहा है, बहुत अच्छी टीम है, और जो भी हमें देखे तो वो सुने, वो भी हमारे पास आए, है ना। तो अच्छी अच्छी फिल्में लाएंगे 2024 में। हाँ। और हम शूट कर रहे हैं, कॉमेडी होंगी, सीरियस होंगी। और कुछ बात कहना चाहती हैं राजेश जी? हाँ बोलिए। नमस्कार, बहुत अच्छा है जी। आप देखो जी से, और मनोरंजन बहुत अच्छा है इसमें, बहुत अच्छी कहानी है पारिवारिक फिल्म में। हाँ जी, दीपा जी और सहयोग करो हमें। हाँ, हम मैं क्या बोलूँगी, मैं तो यही बोलूँगी, हमारी फिल्मों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देना, देखना, और हमारे साथ नए नए कलाकार जुड़ते जा रहे हैं, आप लोग इनको बहुत पसंद कर भी रहे हैं, तो इसीलिए ऐसे ही हमारे साथ और भी लोग जुड़ते रहेंगे और काम करते रहेंगे, और हमारी फिल्मों को बैक टू बैक आप देखते रहिए। जी जी, बहुत प्यार दीजिए और दीपक कुमार जी के चैनल को भी सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा करिए जी, बिल्कुल। और फिल्म किस कंपनी पे आएगी तो हम आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं हुआ है। फिल्म हम पहले बना लें और हम उसका आउटपुट देख लेंगे क्या है, उसके बाद डिसाइड करेंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री राम। और दिए जरूर जलाएं 22 जनवरी। जय श्री राम।